हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि ये चल रहा है आपका करंट अफेयर का क्लास, तो उस कड़ी में ये जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास, पहली क्लास आपको मंडे को मिल गई थी, आज ट्यूसडे है, सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें कि आप अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहाँ पे शुरू होगा कि थोड़ा सा आप डीप में, मतलब धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। देखिए, एक चीज मैंने कल गलत बोल दी थी, कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, तो मैंने गलती से धर्मपाला बोल दिया था। धर्मपाला वो पाला डायनेस्टी के थे, जिसको, जिनका की काफी ज्यादा वो मूवमेंट चल रहा था, उस वो जो ट्राई सीरीज था, लड़ाई, उन सब चीजों में चल रहा था, तो उस पर आप अभी गौर मत करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया होगा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इन चीजों को ले सकते हैं। और दूसरा, कि यहाँ पे किसी चीज़ की आपको इशू समझ में आ रही है, कोई चीज़ दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वहाँ पे मैं चीज़ें करूँगा। और पूरी करंट अफेयर की 12 महीने की है क्लास, ठीक है, 12 महीने की है, आपको 24 वीडियो लगेंगे, सेकंड लेक्चर है, जनवरी का सेकंड पार्ट है ये, तो चलिए मेरे हिसाब से शुरू करते हैं। और स्टैटिक थोड़ा सा पोर्शन रहेगा ये, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा, और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, फ्री इनिशिएटिव है आप ही लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं ना, उसकी बात कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या होता है, जैसे जो कटाई उटाई का टाइम होता है, उस तरह का। तो अब आपको देख ले, माघ लोहरी जो होता है ना, वो करीब 13-14 तारीख, मतलब खिचड़ी के टाइम, अगर यूपी के हैं आप, मकर संक्रांति झारखंड बिहार में बोला जाता है, चीज़ें एक ही होती हैं, तो मघी और लोहरी बोला जाता है हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में बोला जाता है शिशुर संक्रांत, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उत्तरायण बोला जाता है राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। मकर संक्रांति बोला जाता है महाराष्ट्र और एमपी में। मकरा संक्रमणा बोला जाता है कर्नाटका में। मकरा और विलाक्कू, विलाक्कू बोला जाता है केरला में। पोंगल बोला जाता है तमिलनाडु में। पेड्डा पंगुइया बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। मकर संक्रांति उड़ीसा में बोला जाता है। पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। माघ बिहू, बिहू से रिलेटेड अगर है तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है। और मकर संक्रांत बोला जाता है बिहार और झारखंड में। खिचड़ी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें रहीं, आपको मैप के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से समझ में आया क्या होगा कि सिसूर कहाँ से बोला जाता है, मघी लोहरी कहाँ बोला जाता है, उत्तरायण कहाँ, उत्तरायण से समझ रहे हैं कि ऊपर की साइड है, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए तो गुजरात की साइड आ जाता है। मकर संक्रांति महाराष्ट्र एमपी में भी, झारखंड में भी देखा जाए, बिहार में भी देखा जाए, तो मकर संक्रांति उड़ीसा में भी देखा जाए तो बोला जाता है। और उसी से रिलेटेड कर्नाटका में भी नाम है, और थोड़ा सा मकरा से रिलेटेड, मकरा विलाक्कू से केरला का हो गया, पोंगल आपको पता ही होगा। तो ये अराउंड 13, 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो ये पीडीएफ में एक बार और देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब आते हैं करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स पे। अब आई नाइफ, आई नाइफ क्या है? आई नाइफ एक इंटेलिजेंट सर्जिकल नाइफ है, ठीक है। इसको बोला जाता है आई नाइफ कैन स्मेल ट्यूमर्स, दस डिटेक्टिंग वॉर्म कैंसर विद इन सेकेंड विथ 89% एक्यूरेसी। अब क्या है ना, वॉर्म जो होता है ना, वॉर्म कैंसर, बच्चेदानी में जो कैंसर होता है, उसमें 89% एक्यूरेसी है इसकी डिटेक्ट करने की, तो बहुत ही ज़्यादा है। आप बेसिकली इसमें याद रखिएगा कि आई नाइफ क्या है। आई नाइफ एक इंटेलिजेंट सर्जिकल नाइफ है, जो कि कैंसर की एक्यूरेसी को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है, और डायग्नोस इट कैन बी रियली रिलायबल डायग्नोसिस इंडोमेट्रियली कैंसर, ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए आता है। आई लाइफ यूज इलेक्ट्रो सर्जरी मेथड, दो चीज इसमें, एक चीज याद रखिए क्या है, इंटेलिजेंट सर्जिकल नाइफ, दूसरा याद रखिएगा कि आई नाइफ यूज फॉर इलेक्ट्रो सर्जरी मेथड, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, ठीक है। फियरिंग चाइनीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP अटैक जापान इज रिलोकेटिंग इट्स हेडक्वार्टर एंड डिफेंस फोर्स अंडरग्राउंड, ठीक है। जापान ऑल्सो इंटेंड टू हैव काउंटर मेजर्स अगेंस्ट EMP, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें है कि EMP ब्रस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कॉज टू द रैपिड रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा। अगर आप पीडीएफ में दे दिया हूँ तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी मैंने एक दे दिया है कि आपका कुछ वो चीज़ें ना रहे, आप बेसिकली इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू हो जाए, ठीक है। अब डोकरा मेटल क्राफ्ट क्या है? डोकरा मेटल क्राफ्ट बहुत ही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि GI टैग इसको मिला हुआ है। इसको कब मिला था? 8 में 2018 में मिला था। ये लाल बाजार कोलकाता सिटी में होता है, तो कुछ चीज़ें जान लीजिए कि कहाँ का है डोकरा मेटल क्राफ्ट, कोलकाता का है। इसको GI टैग कब मिला है? 2018 मिला है। डोकरा इज आर्ट ऑफ एंशियंट ट्रेडिशन पार्टिसिपेटेड बाई ओझा मेटल स्मिथ बिथ द डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री ऑफ अबाउट 5,000 साल, 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, जहाँ की वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और
मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए डोकरा मेटल के बारे में, और ये दिखता कुछ इस तरह का है, ठीक है। डोकरा मेटल कहाँ होता है? कोलकाता, ये याद रखिएगा। जीआई टैग कब मिला? जीआई टैग मिला 2018 में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि अगर देखूँ तो कलर बदल दूँ इसका, क्योंकि कलर थोड़ा सा वैसा आना चाहिए जो आपको दिखे, ठीक है। अब थोड़ा सा रेड रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं एनडीआरएफ राइजिंग डे, ठीक है। एनडीआरएफ राइजिंग डे, पहले तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड होता है। राइजिंग डे एनडीआरएफ का मिला है आपदा सदैव स्वतंत्र, ये आपका इसका टैगलाइन है। और ये कब बना है? 2006 में बना। इंपॉर्टेंट ये है किस एक्ट से? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। और ये कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को, हर साल 19 जनवरी को। इस साल भी जो आएगा 2024 में, उसमें भी मनाया जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये किस एक्ट से बना, वो कौन सा एक्ट था, और किस सन में इसकी संस्थापना हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्स लेट्स रन। ये बहुत ही बेसिक है, ये देखिए इंग्लिश वर्जन है बुक का, ठीक है। कम्स लेट्स रन, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। ये किस लिए है? बाई तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर जो है एम ए सुब्रमण्यम, इन्होंने इसको बनाया, रिलीज किया। और बाई के श्रीकांत, जो के श्रीकांत के बारे में आप लोग जानते होंगे, फ्रेंच कर दाढ़ी रखते हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम में है, ठीक है। फ्रेंच कर दाढ़ी रखते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने इसको वो किया। बुक पब्लिश किसने की है? इमराल्ड पब्लिशर ने की है, ठीक है। तो दो तीन चीजें आपको नाम याद रखना है, एम सुब्रमण्यम का और के श्रीकांत का, ठीक है। और पब्लिशर कौन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे, ठीक है। इसी दिन 1915 में, 1915 में, 1915 में, सॉरी 1915 में गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी को इंडिया में। तो इसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि बाहर भारत के लोग बाहर रहते हैं वो आते हैं वापसी। इसीलिए इस बार का थीम क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का था थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये अमृतकाल सीजन चल रहा था, आपको पता ही है। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, क्यों ऐसा करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, मतलब तो क्या जरूरत पड़ती है? तो देखिए होता क्या है ना, जैसे इंडियंस बहुत जगह जाके अच्छी अच्छी पोजिशन पे बैठे हैं। मान लीजिए गूगल के सीईओ हैं, किसी जगह पे वो मतलब अच्छे अच्छे पोजिशन पे हैं, बिजनेस में अच्छे हैं। तो अब वो क्या है ना, यहाँ पे बिजनेस को लाएंगे, इस वजह से चीज़ों को यहाँ पे उनको वरीयता दी जाती है, और उन्हें भी थोड़ा सा एक वो होता है ना कि घर जैसी फीलिंग आती है कि अपने घर पे हैं। तो वहाँ पे एक मीटिंग अच्छी से, एक पूरा प्रोग्राम रखा जाता है, बाहर के लोग मतलब अपने ही देश के लोग जो बाहर रहते हैं, इंडिया के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए बात करते हैं। तो उन चीज़ों पर काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है, इस वजह से इसको रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लें हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पहले तो कौन पब्लिश करता है? तो ये जापान, मतलब कि इसमें देखिए पहली चीज़ तो जापान है, हेनले इसका पासपोर्ट है, तो भाई यही करेगा। जापान का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, और इंडिया की रैंक इसमें थोड़ा गलत दिया है, 80 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा जो वीडियो देख रहे हैं, 80 है, ठीक है, 80 है। और जापान लगभग लगभग 5 बार से लगातार टॉप कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं नेशनल यूथ डे। अब नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सबको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये बहुत ही मतलब बड़े ही लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे, बहुत ही ज्ञान थे। तो इनके 160वां बर्थ एनिवर्सरी था 14 जनवरी को, 14 जनवरी के दिन इन्होंने जन्म लिया था धरती पे। एवरी ईयर इस दिन को यूथ नेशनल यूथ डे के नाम से गवर्नमेंट मनाती है, ठीक है। और इस बार क्या था फेस्टिवल जो मनाया गया था नेशनल यूथ फेस्टिवल, वो 12 जनवरी से लेकर के 16 तक। इसका थीम क्या रखा था? विकसित युवा एंड विकसित भारत। अब देखिए इनके साथ दो तीन चीज़ें रही हैं। इन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण भी दिया था, परमहंस मंडली में, मतलब इनका बहुत सारी चीज़ों में इनका वो भी था। तो ये चीज़ें आप रखिएगा, बहुत बार आ जाता है कि किस सन में इन्होंने दिया था। तो 1893 में इन्होंने भाषण दिया था शिकागो में, और प्लस इनका एक और चीज़ था कि उसी के कुछ दिन बाद 97 99, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, 1900 के आसपास में ये इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। तो उसके बहुत ही कम 37 ईयर के बीच में इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे देश के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है। अब देखिए बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, इनकी जयंती जो है ना 23 जनवरी को मनाई जाती है, और उसको पराक्रम दिवस भी बोला जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2021। पहली बार जो ये पराक्रम दिवस मनाया गया था ना, वो 2021 में मनाया गया था, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इनको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो भी मिला है, क्योंकि वो जरूरी था। इन्होंने जितना देश के लिए किया है उतना इनको मिला नहीं एक्चुअली देखा जाए अभी तक तो। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बेसिकली पता भी होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है। इन्होंने जो सिंगापुर में जाके वो स्वराज हिंद वाला और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी वाले नारे इन्होंने लगवाए,
बहुत सारी चीज़ें की जिस पे कि आपको पता होगा आज़ाद हिंद फौज के बारे में, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने पट्टा भाई सीतारमैया को इलेक्शन में हराया था, पट्टा भाई सीतारमैया को, ठीक है, पट्टा भाई सीतारमैया को इलेक्शन में हराया था। वो आपको त्रिपुरा वाला भी केस पता होगा, त्रिपुरा में ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उसके बाद फिर इन्होंने छोड़ के अपनी पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, जिसमें मतलब स्वराज पार्टी नहीं था, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद फिर इनका नाम जो नेताजी रखा है उसमें हिटलर का योगदान है, हिटलर ने इन्हें नेताजी का नाम दिया था क्योंकि इनके पीछे बहुत सारी जनता थी, जितना कि आप सबको पता है। तो ये चीज़ें रही हैं बेसिकली सुभाष चंद्र जी के बारे में, और इनका जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और बाकी अगर मैं चीज़ें रहेगी तो हिस्ट्री क्लास में बताऊंगा, अभी करंट के हिसाब से आप इतना ही जानिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पहले तो मेंस में जीता कौन, नोवान जोकोविच, ये है इनका तस्वीर, और वुमेन सिंगल में जीता है अरण्या सबरलेनका ने, ठीक है, ये है इनकी इमेज। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं, हर साल जनवरी में होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अब वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड आर अनाउंस बाई यूएन हैबिटेट, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। उड़ीसा वॉन द अवार्ड एंड जगह मिशन, फॉर जगह मिशन, जगह मिशन की वजह से उड़ीसा को ये अवार्ड मिला है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज इनोवेटिव एंड रिवॉल्यूशनरी हाउसिंग आइडियाज प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखिएगा बेसिकली कि उड़ीसा को मिला है और जगह मिशन के लिए मिला है। क्योंकि मैं देखिए पुराना है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, जो मेरा मेन फोकस होगा ना वो अच्छे से होगा जुलाई से, क्योंकि जुलाई से मतलब जून से ये क्वेश्चन, मई से लेकर के जो नवंबर वाला बैच होगा ना उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो उस पर मेरा और फोकस रहेगा। लेकिन अभी मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता भी है ना कि ये यूपीपीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस एग्जाम हो गया, आरओएआरओ हो गया, आईबीएसईओ के लिए तो है ही, सीआईएसआर सीएसआईआर, इन एग्जामों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ब्रेकिंग बैरियर क्या था, ब्रेकिंग बैरियर एक्चुअली था एक स्टोरी थी दलित चीफ सेक्रेटरी की, और ऑथर्ड बाई काकी माधवा राव, फॉर्मर आईएएस। अब इसमें देखिए होता क्या है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अब लोग बोलते हैं कि दलित या कोई और कास्ट में लोग जो हैं वो मतलब इस पोस्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाते। देखिए एक बहुत बड़ा कारण होता है, इन पोस्टों के लिए पहुंचने के लिए आपको 33-35 ईयर की सर्विस चाहिए, इट मीन्स कि आपको आईएएस की सर्विस करीब करीब 22 से 25 साल के बीच में निकालनी होगी, जो कि रेयरली बहुत मतलब कम होता है कि दलित समाज से जो लोग हैं वो निकाल पाते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो अपर कास्ट है वो निकाल लेते हैं, तो मतलब जनरल कास्ट में जो आते हैं वो निकाल लेते हैं बेसिकली। तो इस वजह से बहुत रेयर हो पाता है कि उस पोस्ट तक वो लोग पहुँच पाए, जिसके लिए बहुत चलता है कि आरक्षण प्रमोशन, एम नागराज केस आपको पता होगा 2007 वाला, उसके बाद एक केस हुआ था 1993 में इंदिरा साहनी वाला, उसका जजमेंट आपको पता होगा, तो पता होगा इन चीज़ों का वो मूवमेंट हुआ था। तो ये चीज़ें आप बेसिकली मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बेसिकली आप इस बुक पे याद रखिए कि ब्रेकिंग बैरियर क्या था, एक दलित चीफ सेक्रेटरी के बारे में ऑथर था मतलब बात थी, और जिसमें काकी माधवा राव वो थे ऑथर थे, और एड्रेस मतलब इसके बारे में बहुत नहीं जाते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उतना है नहीं है, ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरीज, अब रिवॉल्यूशनरीज किसने वो की, रिवॉल्यूशनरी होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको रिलीज़ की इस बुक को, और टाइटल क्या था, रिवॉल्यूशनरीज, और इस बुक को मतलब कौन ऑथर किया है, संजीव सन्याल ने, याद रखिएगा दो चीज़ें इसमें याद रखने लगे, कौन रिलीज़ किया, क्या नाम था, और किसका कौन ऑथर था, संजीव सन्याल, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड वाटर, बस बेसिकली अंडरग्राउंड मेट्रो, तो अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में चली है, पहली मेट्रो भी कोलकाता में चली थी और 1984 में चली थी आपको पता होगा, और इससे ज़्यादा आपको मैं नहीं चाहूँगा। उसके बाद फिर दिल्ली मेट्रो थी और कोलकाता मेट्रो सबसे पहली मेट्रो थी इंडिया की, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। कोलकाता आल्सो होल्ड द प्लेजर ऑफ बिंग फर्स्ट मेट्रो, हाँ देखिए ये भी लिखा ही है यहाँ पे, और बेसिकली आप रूट देखना है तो ये आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया है सब्बीर अली, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67, बहुत बार पूछेगा आयरन मैन कौन है, तो सब्बीर अली, बस इतना याद रखिएगा। और ही वॉन द डेथलॉन गोल्ड एट 1981 एशियन एथलीट चैंपियंस इन टोक्यो, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना रखना है, आयरन मैन किसको बोलते हैं, सब्बीर अली को। अब रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे देखिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है क्योंकि एग्जाम के पास में आएगा, अगर देखिए 26 के बाद एग्जाम हो रहा है तो चांसेस कम रहेंगे इस क्वेश्चन के, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिए। इंडिया फर्स्ट, इंडिया सेलिब्रेटेड 74th रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 2026, अब जिसमें क्या हुआ कि ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, लेकिन जो हुआ था कौन इसको जीता।
फर्स्ट मतलब बेस्ट टेबलो किसको मिला, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, फर्स्ट फीमेल सिख जज कहाँ पे बनी है? यूएसए में। मतलब उसका उनका नाम क्या था? मनप्रीत मोनिका, और उनके पिताजी 1970 में ही जाके माइग्रेट हुए थे, और पहले सिख जज हैं। इनका याद रख लीजिएगा नाम, मनप्रीत मोनिका, MMS। ठीक है, अब आते हैं। 120 फीट का पोलो स्टैचू बना, कौन उद्घाटन किया? अमित शाह किए, और मणिपुर में किए। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं जाते। मणिपुर आल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ गेम पोलो। ठीक है, मणिपुर को बर्थ प्लेस ऑफ पोलो भी माना जाता है, और 120 फीट का मणिपुर में वो स्टैचू भी बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेसिकली तमिम बार आइलैंड कहाँ पे है? ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडोनेशिया में है तमिम बार आइलैंड, और अर्थक्वेक यहाँ पे आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का। इंडोनेशिया एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट सिस्मिक वेव एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर वाला जोन होता है, इसको बोला जाता है। और यहाँ पे है, देखिए ये मैप में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और रिंग ऑफ फायर कहाँ अगर पूछ देगा, तो पैसिफिक में ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और कौन कौन सी करंट जाती है, कुछ आप एक दो चार पॉइंट्स देख लीजिएगा यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तनिम बार कहाँ पे है, तो वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब आते हैं चेरचा फेस्टिवल। चेरचा फेस्टिवल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चेरचा फेस्टिवल किस स्टेट से है? तो चेरचा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ से है, रायपुर में मनाया गया है, और सीएम भूपेश बघेल सेलिब्रेट इसको किए हैं। और ये किस मंथ में आता है? तो पौष आता है, हिंदू कैलेंडर के महीने से पौष मंथ में आता है, और जॉय ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉस व्यू इसको बोला जाता है। इतनी चीजें आपको मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द नेमिंग ऑफ ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए, मनोहर जी कौन थे? मनोहर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स, अगर देखा जाए तो वो गोवा के सीएम भी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 वाली, 2016-17 में जो हुई थी, उसके ये उस समय पे डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है कि उस समय सर्जिकल स्ट्राइक के समय पे कौन डिफेंस मिनिस्टर था, ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इट इज ऑनर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग मॉडर्न गोवा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली इस पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना था मैंने आपको इसमें से बता दी चीजें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, भारत पर्व। अब भारत पर्व लाया कौन? भारत पर्व लाया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑर्गेनाइज अ 6 डे इवेंट भारत पर्व एट अ रेड फोर्ट दिल्ली। कहाँ हुआ भारत पर्व? दिल्ली में हुआ। कौन लाया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लाया। इट इंक्लूडेड हाईलाइट बेस्ट रिपब्लिक डे टेब्लू कल्चर परफॉर्मेंस इंडिया फूड कोर्ट एंड प्लान। ठीक है, ये सब चीजें हुई। तो ये चीजें आप इतना बस रखिएगा कि क्या हुआ, कहाँ पे हुआ। ठीक है, हुआ किसने किया? टूरिज्म मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया भारत पर्व को, और रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं, सी फीड्स द वर्ल्ड। देखो, पेप्सिको फाउंडेशन एंड केयर हैव लॉन्च द सी फीड्स, मतलब सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। इसका ये इमेज था, आप इतना दिमाग रख सकते हैं दिमाग में। डायरेक्ट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए था पूरा। ठीक है, कि मतलब लोग इन्वॉल्व हों। बेसिकली इसमें याद रखने की जरूरत है कि किसने किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑरेंज जो है ना वो नागपुर में फेमस है, लेकिन यहाँ पे उससे रिलेट मत करिएगा, ये नागालैंड का है फेस्टिवल। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है नागालैंड का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ का है, नागालैंड का है। ये थर्ड है, थर्ड नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन नागालैंड का है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ऑरेंज फेस्टिवल किस स्टेट का है, तो नागालैंड का है। दूसरा अगर पूछ देगा चिरांग कहाँ का है, तो चिरांग, देखिए मैं चिरांग से याद कर रहा हूँ, लेकिन चरचरा नाम है इसका, चरचरा चरचरा से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इस बार तो छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का सीएम, एमपी का सीएम, ठीक है, एमपी का सीएम और राजस्थान का सीएम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इससे यही चीज़ें याद होती हैं, सीएम और प्लस गवर्नर प्लस स्पीकर, इन तीनों का आपको नाम यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सारंग 2023। सारंग 2023 क्या हुआ? सारंग इज द लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन आईआईटी मद्रास। कहाँ हुआ सारंग? आईआईटी मद्रास में। इट इज हेल्ड इन कम्प्लीट इन फिजिकल मोड, द थीम ऑफ द ईयर मेजेस्टिक हुई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ सारंग। ठीक है, तो ये तो करीब करीब रहा जो भी टॉपिक रहा, और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है कि आपको चीज़ें यहाँ से बेसिकली कवर हो जाए। बहुत बहुत जल्दी कवर हुआ है, क्योंकि फैक्ट था, तो फैक्ट पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें कुछ हो सकता है आपको इशू है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, टोटली मेरा है ये टारगेट फ्री का, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। और ये अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि फ्री इनिशिएटिव है पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा फोकस होगा कि जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा, फिर मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का
मैं मतलब नहीं होता मैराथन क्लास आपको एमसीक्यू के थ्रू लाऊंगा, क्योंकि ये कोर्स जब कंप्लीट होगा तो मैं करंट का 200 क्वेश्चन, 200 से 300 क्वेश्चन एमसीक्यू का भी डिस्कस करने के लिए सोचा हूँ। लेकिन अगर जैसा रहा, जैसा आपका विचार रहा, वैसा पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी उम्मीद है कि एग्जाम के पहले आपको मैक्सिमम पहले करंट अफेयर कोशिश कर दूँ आईबी के, क्योंकि आईबी का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छा कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है, ये नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।